स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आपकी MPTET यानी कि हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड उसमें जो रिवाइज किया गया रूल बुक को उसको लेकर के। तो इन्होंने दो रिवाइजेशन यहाँ पर डाले हैं। पहला था रिवाइज्ड रूल बुक 2 एंड यहाँ पर इन्होंने अभी अभी प्रेस नोट 2 भी डाल के रखा है। तो मैं दोनों ही आपके पास लेकर आई हूँ आज। देखते हैं कि इन्होंने क्या संशोधन किया है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज की वीडियो की। चलिए तो ये रहा आपके पास में प्रेस इनका विज्ञप्ति स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता 2018 एवं माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2018 के संबंध में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही के लिए इन्होंने दिया है। प्रेस नोट 2 इन्होंने अकेला जो शो हो रहा है वो आपका हाई स्कूल एलिजिबिलिटी टेस्ट के पास में शो हो रहा है, लेकिन ये जो इन्होंने जो विज्ञप्ति निकाली है वो दोनों के लिए लागू होने वाली है, आपकी स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के लिए भी और उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए भी। ठीक है, इनका कहना है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के आयोजन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय भोपाल के पत्र के संदर्भ में उक्त परीक्षाओं हेतु आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं सॉरी अर्हताएं आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए के स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि इसके स्थान पर आपको क्या पढ़ना है ये आप देखिए। शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापन की तिथि होगी, अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधि धारित किया जाना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान माध्यमिक शिक्षा पात्र परीक्षा पर भी लागू होगा। ठीक है, इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए प्रावधान के संदर्भ में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि में वृद्धि कर दी गई है, जो कि 20 तारीख रहेगी मिडिल की भी और हाई स्कूल की भी, और संशोधन करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2018 की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने दिया है कि आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होनी चाहिए की जगह पर आप ये मान के चली कि उनका ये कहना है कि जब उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापन की तिथि होगी, यानी कि जब इनका नियुक्ति विज्ञापन तिथि जारी की जाएगी तब आपके पास में शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये संशोधन हुआ है आपका हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में। ठीक है, तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट अपडेट अबाउट आपका MPTET एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।